किसान बिल को लेकर सरकार किसानों के बीच चल रहे घमासान के मद्देनजर एक बार फिर राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजस्थान के करौली महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब गोदाम तोड़े जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह बात खुले मंच से कही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यूपी में जिला स्तर पर किसान आंदोलन को बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि अब गेहूं की तैयार फसल आने वाली है, अगर किसानों का गेहूं एमएसपी की मूल्य पर नहीं खरीदा जाता है तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसके लिए किसान जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इस बात का इशारा कर रही है कि किसानों के आंदोलन के खिलाफ रूपरेखा तैयार कर ली जा रही है। एक बार फिर सरकार को बातचीत करने का प्रस्ताव लाना ही होगा। इसके बाद राकेश टिकैत ने 24 मार्च तक देश भर में कई जगहों पर महापंचायत होने का ऐलान किया और कहा कि किसान समाधान निकलने तक वापस नहीं जाएंगे, किसान खेती भी करेंगे और आंदोलन भी देखेंगे, सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले, बाकी किसान का आंदोलन जारी रहेगा।